जब आप लोगों को इनवाइट कर रहे हैं तो काम कर रहे हैं, जब आप लोगों को प्लान दिखा रहे हैं तो काम कर रहे हैं, जब आप लोगों की फॉलो अप ले रहे हैं, क्लोजिंग कर रहे हैं तो काम कर रहे हैं, और जब आप अपने लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं तो काम कर रहे हैं। बाकी जो आप सोचते रहते हैं ना, उसको काम में नहीं गिना जाता। Not bad, not bad। लोगों को कॉल कर रहे हो, काम कर रहे हो, इंस्टाग्राम पे डीएम कर रहे हो, काम कर रहे हो, लोगों को बीएमडब्ल्यू का किराए का सपना दिखा रहे हो, काम कर रहे हो, लोगों को सुबह 10:30 बुला रहे हो, काम कर रहे हो, लोगों को झूठ बोलना सिखा रहे हो, काम कर रहे हो, बेवकूफ बना रहे हो, काम कर रहे हो, 3 लोगों को जोड़ रहे हो, काम कर रहे हो, भाड़े पे कोट पहनने को दे रहे हो, काम कर रहे हो, 6 महीने में 600 का चेक ले रहे हो, काम कर रहे हो। इतना ही नहीं, आजकल MLM के मेंबर कॉल, इंस्टाग्राम और फेसबुक ही नहीं, टेलीग्राम पे भी अपने हाथ फैलाए जा रहे हैं। मिर्जापुर में गुड्डू भैया को फुल इज्जत चाहिए, पर इन MLM वाले को फुल बेइज्जत। बारूद बदन बन जाए, इश्क बने चिंगारी, है एक हिंद का बेटा, देखो सब पे भारी। ना ना, स्टेज पे जाने से पहले 3 लोगों को जोर ही लो, मोबाइल चलाना नहीं रुकना चाहिए। दूसरे का कोट पैंट पहनेगा तो स्टेज पे जाने के बाद सेट करना ही पड़ेगा डूड। इससे अच्छा तो माला पहनाने वालों ने अपने लुक को बेहतर बना रखा है। स्टेज होस्ट करने वालों से लेके माला पहनाने वाले तक सबके सब एक ही ड्रेस में दिखाई दे रहे हैं। सबके सब 3 लोगों को जो जोर रखे हैं, वो भी टाइम निकाल के 10:30 सेमिनार अटेंड जो कर रखा है। MLM वाले के टाई और कोट का ब्रांड एम्बेसडर बना देना चाहिए। 2 महीने में 200 का चेक ही क्यों नहीं ले रहे हो? स्कूल टाइम में बिना टाई के ही क्यों नहीं क्लास गए हो? पर सुबह सुबह ये टाई लगा के 3 लोगों को जोड़ के जो रिस्पेक्ट पा रहे हैं, इतना तो मोटा भाई भी डिजर्व करते हैं। चीज बताइए, आप कितना पैसा कमाते हैं महीने में? हम यहाँ से मंथ का कम से कम 1,20,000 रुपए कमाते हैं। कंडीशन देख के तो नहीं लग रही है आपकी, ये गाड़ी गाड़ी वाड़ी देख के तो नहीं लग रही कि आप 1,20,000 कमाते हैं। तो आप 10 महीने में बढ़िया फॉर्चुनर वगैरह खरीद सकते थे भैया, इससे नहीं है। ड्राइवर गाड़ी तो किराए वाला किराया पूछ रहे हो, ये किराए की है या मेरे वो ड्राइवर है? सही बोल रहे हैं, कंडीशन देख के सब पता चल रहा है। 1,20,000 कमाते हैं, बस कट छट के 5,000 अकाउंट में क्रेडिट होता है, बाकी बहुत कमाते हैं। लगता है सेमिनार ध्यान से नहीं सुना था। देखा, सेमिनार में 100% ध्यान न देने का नतीजा। सेमिनार में बोला गया था सब कुछ करना, पर गांव जाकर ये सब मत करना, पकड़े जाओगे फिर बहुत बेइज्जती हो जाएगी। कोई नहीं बोलेगा, टाई सूट से लेकर कार सबके सब भाड़े के लिए हुए है, बाकी 1,20,000 कमाते हैं। नहीं विश्वास होता है तो ड्राइवर से पूछ लीजिए, बता देगा। 3 लोगों में से एक ड्राइवर भी तो जुड़ा हुआ है। MLA मल्टी लेवल मार्केटिंग बोले तो मॉडर्न नेम ऑफ पिरामिड स्कीम। गाड़ी के लिए पेट्रोल चाहिए, MLM वालों के लिए मोटिवेशन चाहिए। नेगेटिव वाइब्स देने वाले सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि कृपया दूरी बनाए रखें, क्योंकि हमारा फोकस खुद पे और खुद के ड्रीम्स को पूरा करने पे है। सो प्लीज अपनी नेगेटिविटी अपने पास रखें। बड़े बुजुर्ग बोल के चले गए, काम ऐसा करो जहाँ नाम का पता नहीं पर इज्जत हो, पीछे 3 लोग हो, घर के बाहर BMW हो और भाड़े का कपड़ा और मकान हो। हाँ जी, गुड मॉर्निंग वाली स्पीच कहाँ है? मैं तो स्पीच का इंतजार कर रहा था। बाकी एंट्री अच्छी है, बस लोगों का ताली बजाना और खुद को शो अप करना थोड़ा कैजुअल है। इनका बस चले तो पहले मंथ में ऑडी और दूसरे मंथ में बंगला और तीसरे मंथ में एक अलग देश बना लेंगे। ना रिस्पेक्ट UPSC क्लियर करने पे नहीं मिलता जितना ये महीने में, मेरा मतलब साल में 1,500 रुपया कमा के रिस्पेक्ट प्राप्त कर रहे हैं। हाँ जी, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, मेरा नाम ज्योति है, मैं बल्लमगढ़ से बिलोंग करती हूँ। मेरा भी यहाँ से सेकंड लेवल हो गया है, जिसकी टोटल इनकम 9,000 रुपए मेरे खाते में आ चुकी है। पॉपुलेशन बढ़ने का टेंशन अब मेरे दिमाग से पूरी तरीके से मिट चुका है। जब पता चला कि पॉपुलेशन से अधिक स्पीड में ये MLM वाले अपना यूनिवर्स बना रहे हैं, 1-3 को जोड़ेंगे, 3 फिर अगले 9 लोगों को जोड़ेंगे और ये 9 लोग अगले 27 लोगों को जोड़ेंगे। इससे आगे मैं बताने वाला नहीं हूँ, तुम खुद कैलकुलेट कर लो। 5 रुपए का सामान ये लोग 25 रुपए में बेचकर बोलते हैं तुम इस सामान को आगे 3 लोगों को बेचो। क्यों बेचना है? 6 महीने बाद 1200 को चेक जो मिलेगा, प्रोडक्ट क्या है, कैसा है, क्यों है, इससे कोई मतलब नहीं है, बस चेक पे ध्यान दो। कुछ तो फर्क होता है गरीबों और अमीरों में, कुछ तो फर्क होता है गरीबों और अमीरों में।
कुछ तो फर्क होता है किस्मत और लकीरों में। अगर जिंदगी में चलते चलते मिल जाए रिकॉर्ड तो कुछ तो अच्छा लिखा है तकदीरों में। थैंक यू। कुछ तो फर्क होता है झूठे और लुटेरे में, कुछ तो फर्क होता है झूठे और लुटेरे में, एक बार पकड़ में आ जाए तो कर दो अंधेरे में। कौन से वाले बॉस के गाड़ी को अभी अभी पार्किंग में लगा कर आया है? भाग के जा, पहले गाड़ी का चाबी दे के चले मत आना। अगर देश में ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग का सही डिफिनेशन कुछ होता है, ट्रेनिंग का सही रिजल्ट अगर होता है तो ये MLM वाले होते हैं। इनके अंदर मोटिवेशन ऐसे डाला जाता है जैसे रजाई में रुई डाला जाता है। जहाँ भी हो, जैसे भी हो, सड़क पे ही क्यों ना हो, साइकिल पे ही क्यों ना हो, भारे के सूट में ही क्यों ना हो, मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस सामने वालों को 3 लोगों को जोड़ने पे मजबूर कर देती है। मानना पड़ेगा ऐसे ट्रेनिंग का जहाँ झूठ बोल के लोगों को बेहतर तरीके से बेवकूफ बना के या काटा जाता है। मैट्रिक अगर मैंने पास कर लिया है, मेरा अंगूठा ये जवाब देगा, मेरे गांव को प्रधान बनेगा, ये तब का अधिकार हो चुका है, तो मेरा ये भी अधिकार होना चाहिए। मेरी जिंदगी का फैसला अब मैं खुद करूंगा, पिताजी नहीं करेंगे। ये बोल के लड़के ने औकात दिखा दी, प्रवचन खत्म हो जाए तो कोर्ट का किस्त जमा कर देना। और हाँ, ये चश्मा अपने दोस्त को याद करके लौटा देना। और मैं तो भूल ही गया था, और गाड़ी शोरूम में पहुँचा कर भाड़े का 1,000 रुपया जमा करा देना। ये MLM वाले हर सेमिनार में 3 और 4 बार बार रिपीट करते हुए देखने को मिलते हैं। 3 का मतलब है 3 लोगों को जोड़ना और 4 का मतलब है 4 साल। ये लोग हर 4 साल में कभी भाड़े पे BMW लेते हैं, कभी भाड़े पे कोट लेते हैं, कभी भाड़े पे मोबाइल लेते हैं, तो कभी घर भाड़े पे लगा के खुद सड़क पे चले आते हैं। MLM ये वो यूनिवर्स है जहाँ हर कोई एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हुए, एक दूसरे को माला पहनाते हुए और एक दूसरे से बड़ी बड़ी झूठ बोलते हैं और झूठ बोलने के लिए मोटिवेट भी करते हैं, क्योंकि झूठ बोलना इनका काम है, लोगों को ठगना इनका जन्मसिद्ध अधिकार है और बड़ी बड़ी बातें बोलना सेमिनार अटेंड करने का परिणाम है। कि मेरी मम्मी पूछा करती थी कि गुरुदेव मान ले अगर लड़की वाले आएंगे कि पूछेंगे कि लड़कवा कहाँ तक पढ़ा है, लड़कवा कहाँ तक पढ़ा है, तो मैंने अपनी मम्मी को एक बार जवाब दिया था कि कुछ समय घर में BMW थी ऑलरेडी, तो मैंने बोला मम्मी तुम टेंशन मत लो, अगर पूछेंगे ना लड़का कहाँ तक पढ़ा है तो उनसे बस एक ही बात बोलना, वो तो नहीं पता लेकिन बाहर जाके देख लो BMW खड़ा है। लगता है ये लोग साइकिल का नाम ही BMW कर रखा है। जब देखो, जिसको देखो, जहाँ देखो BMW कहाँ तो घर के बाहर। अरे हाफ BHK में रेंट लेके रहने वाले MLM के नए और सस्ते खिलाड़ी जब तक लड़की वाले बाहर देखने आएंगे, BMW उससे पहले फाइनेंस वाले वापस उठा ले जाएंगे। हर बार यही बोलेंगे 3 लोगों को जोड़ो, अगले महीने BMW घर के बाहर खड़ी हो जाएगी। क्या मतलब BMW गली का कुत्ता है, 3 रुपए का पार्ले जी खरीदेगा तो BMW घर के बाहर खड़ी हो जाएगी। 590 रुपए लगाए और स्टार्ट करिए यूटेक बिजनेस। बहन जी 590 लगा करके कितना इनकम कमा सकते हैं? लाइफ में बस 590 रुपए एक बार लगाना है, फिर उसके बाद ही इनकम ही इनकम है, आप इनकम ही इनकम करेंगे और उसके बाद कोई पैसा नहीं लगता, आप सिर्फ कमाओगे ही कमाओगे। देख लो भाई, बस 590 रुपए लगाने हैं, उसके बाद वो 590 रुपए छू मंत्र हो जाने हैं। 590 रुपए लगाओ, उसके बाद इनकम ही इनकम पाओ। इनके कहने का मतलब है बस चेक उठाते जाओ और कुछ नहीं करना है, और उस चेक पे दूध और पेपर वाले का हिसाब करना है, बैंक में कतई नहीं जमा करना है, नहीं तो आपके घर के बाहर BMW खड़ा हो जाएगा। इतना महंगा और भारी गाड़ी कहाँ लगाया जाए, कोई चुरा लिया तो समझ रहे हो ना कि पहले ये लोग ऑनलाइन तरीके से इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक जैसे ऐप पे DM करके अप्रोच करेंगे। अगर आपने रिप्लाई कर दिया तो ये लोग आपको मैनिपुलेट करना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे आप फंसते चले जाते हो। बड़े बड़े गाड़ी बंगला का सपना देखा कर वो आपसे पैसा ले लेते हैं और आप कुछ नहीं कर पाते हैं, तो इस चीज पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। बाकी आप समझदार हो। चलो यार, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक मारो, चैनल पे नए सब्सक्राइब, और मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ।